माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गाय पर बात करना अपराध हो गया है। उन्होंने कहा हम पूजनीय है, माता है आदि इत्यादि। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी सदियों पहले ले जाते हैं, तो ईसा पूर्व सिकंदर तक चले जाते हैं मोदी जी योगी जी। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं 1930 में ले जाऊं। 1930 में भी ऐसा ही विमर्श भारत में चल रहा था गाय को लेकर। महाराष्ट्र में एक मराठी का जर्नल था जिसका नाम था भाला। उसमें एक प्रश्नोत्तरी चल रही थी और उसमें एक प्रश्न था कि सच्चा हिंदू कौन है। उत्तर आया कि जो गाय का पूजन करता है वो सच्चा हिंदू है। विनायक दामोदर सावरकर ने जब ये सारे प्रश्नोत्तर पढ़े तो उन्होंने एक निबंध लिखा। वे ही सावरकर जो इस संघ परिवार के, नरेंद्र मोदी के, योगी जी के नए महानायक हैं। नए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 20-25 साल पहले तक संघ भी चिमटे से भी सावरकर को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रिप्लेस करके सावरकर को स्थापित करने पर जुटे हैं। तो मैं मोदी जी के इजलास में, उनकी अदालत में सावरकर का पक्ष रखना चाहता हूं गाय के बारे में। सावरकर ने उस भाला जो मराठी जर्नल था उसके प्रश्नोत्तर के आधार पर फिर अपनी एक मीमांसा लिखी, एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था विज्ञान निष्ठ निबंध। और यह बाकायदा सावरकर की किताब है जिसे स्वातंत्र वीर सावरकर स्मारक समिति महाराष्ट्र की जो थी मुंबई की, उसने किताब के रूप में से छापा। अब इस किताब में सावरकर क्या लिखते हैं विज्ञान निष्ठ निबंध में, उसके पाठ 1.5 में वे लिखते हैं सावरकर कि जो लोग भी गाय को माता मानते हैं वे स्वयं को मानव जाति से हीन कर लेते हैं, उससे एक दर्जा नीचे उतर जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर स्पष्ट लिखते हैं गाय एक पशु है जो पूरी तरह से बुद्धिहीन है, उसमें इतनी इतना विवेक नहीं है कि वो अपने ही मल में लोटी रहती है, यानी अपने गोबर में। ये सावरकर के शब्द हैं, कोट अनकोट, डॉक्टर राकेश पाठक नहीं कह रहे, 1930 में सावरकर लिख रहे हैं। इस लेख में सावरकर ने यह भी लिखा है कि जो मुगल आक्रांताओं के समय पराजय हुई है वो इसलिए हुई है कि गायों की रक्षा में लगे रहने वाले लोग उस युद्ध कौशल को भूल गए थे। बहुत लंबा लेख है और उन्होंने बहुत खिल्ली उड़ाई है, यहां तक कि उसमें ब्राह्मणों को भी कोसा है सावरकर ने कि ये जो जब देश को बचाने की जरूरत थी तब उन्होंने कहा है कि देश को बचाने की जरूरत के समय, किसी दुर्ग की रक्षा के समय, किसी किले की रक्षा के समय अगर गाय का बलिदान देना अनिवार्य हो, जरूरी हो, तो दे देना चाहिए। सेना के पास अगर खाने के लिए कुछ ना हो तो गाय को मारकर खाया जा सकता है, ये लिखा है सावरकर के उस आलेख का शीर्षक है मराठी में गौ पालन हवे गौ पूजन नभे, यानी गाय का पालन करना चाहिए, उसके पालन पोषण में कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो एक उपयोगी पशु है, लेकिन पूजन नभे उसका पूजन करना नहीं चाहिए, ये सावरकर कह रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार ये कह दें कि सावरकर गलत थे गौ पूजन को लेकर, और अगर अब भी इस देश में बहुत सारे लोग गाय को माता नहीं मानते, उसका पूजन नहीं करना चाहते, तो इसमें अपराध नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, एक बात। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है इस समय। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतिहास बोध और इतिहास ज्ञान हम सब जानते ही हैं। वे गोवा में पुर्तगालियों की मौजूदगी के समय पूरे देश को मुगलों से शासित बता देते हैं, जबकि मुगल 26 साल बाद आए थे। 1510 में पुर्तगाली गोवा में आ गए थे, 16 साल बाद उसके 1526 में मुगल भारत आए। खैर, तो उन्हें यह भी बताना जरूरी है कि जिस डेयरी सेक्टर की चिंता आज वे कर रहे हैं, इसकी चिंता भारत में बहुत पहले कर ली गई थी। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, जिसे हम दुग्ध क्रांति और श्वेत क्रांति के रूप में जानते हैं। वर्गीज कुरियन का नाम भी जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी। और ये ऑपरेशन फ्लड 1970 की 13 जनवरी को शुरू होकर 1996 में खत्म हो चुका है, और उसी ऑपरेशन फ्लड का परिणाम है कि भारत दुनिया का सिरमौर है दुग्ध उत्पादन में, और भगवान की कृपा से माननीय नरेंद्र मोदी जी का उसमें कोई योगदान नहीं है। तीसरी बात कि जो गौ मांस के व्यापारी हैं, कारोबारी बारी हैं, उनके बारे में भी मालूम होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि देश
इनके ही कार्यकाल में, अभी आंकड़ा भी दिया दिनेश जी ने और अमलेंदु जी ने कि 2014 के बाद से अब तक भारत गौमांस के सबसे बड़े निर्यातकों में पहले और दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। दिनेश जी ने संकेतों में कहा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े गौमांस के व्यापारी मुसलमान नहीं है, सबसे बड़े गौमांस के व्यापारी हिंदू हैं। उन्होंने अपने स्लॉटर हाउस गौमांस के कारखानों के कत्लखानों के नाम उर्दू नाम रखे हुए हैं, अल कबीर अल दुआ। देश के सबसे बड़े 20 गौमांस निर्यातक हिंदू हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने आज के भाषण में गोबर और गाय का नाम लेकर एक खास वर्ग को, एक खास धर्म के संप्रदाय के लोगों पर आक्षेप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव के घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, उन घोषणा पत्रों में लिखा है कि गौमांस ज्यादा से ज्यादा और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। मनोहर पर्रिकर का बयान याद कर लीजिए, अब वे स्मृति शेष हैं, उन्होंने कहा था हम गोवा के लोगों को सस्ती दरों में गौमांस उपलब्ध कराएंगे, भले ही उसका हमें कर्नाटक से आयात करना पड़े। तो ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि जहां इसे जरूरत होती है वहां ये गौमांस सस्ती दरों में उपलब्ध कराने का वादा अपने मतदाताओं से करती है। तो ये पूरा मामला उनका आज का भाषण सवालों के घेरे में, इतने तथ्य मैंने गिना दिए। इसके पीछे राजनीति और रणनीति सिर्फ इतनी है कि इसके जरिए वो जो हिंदू सेंटीमेंट है, हिंदू जो वोटर है, उसके दिमाग को एक बार फिर से, उसको हरियाने की कोशिश है, उसको हरा भरा करके उसके वोटों को मशीनों तक लाने की पहल कदमी है सिर्फ, राजीव जी।